नमस्कार बच्चों बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस में क्या होता है और मेंडल की हिस्ट्री के बारे में। बच्चों ये आपको मालूम है, ये बताया था हमने आपको कि डोमिनेंस क्या होता है, कि जो एक्सप्रेस करता है इटसेल्फ इन हाइब्रिड कंडीशन, दैट इज हेटरोजाइगस कंडीशन, ओके, एज वेल एज इन होमोजाइगस, दोनों में जो है एक्सप्रेस करे उसको क्या कहते हैं, उसको आप डोमिनेंस कहते हैं। रिसेसिव क्या कहते हैं, रिसेसिव होता है कि जो केवल होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस करे, हेटरोजाइगस में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। आप एक्सप्लेन, आप कैसे इसको समझे कि क्यों ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस क्यों होती है? बच्चों ये जो जो एलील होते हैं, ये एलील है, देखो दोनों कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम है और उस पर ये दोनों एलील है, एक जीन है और ये उसकी दूसरी फॉर्म है। होता क्या है कि इसमें कौन जीन हम ओरिजिनल कहें और उसको फॉर्म कहें, तो होता ये है बेटा, ओरिजिनल जो ओरिजिनल या इसी को वाइल्ड या इसी को मॉडिफाइड, नॉन मॉडिफाइड एलील कहते हैं, ओरिजिनल वाइल्ड या इसी को क्या कहते हैं, नॉन मॉडिफाइड एलील। तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल एंजाइम बनाता है, डीएनए डिक्टेट करता है कैरेक्टर को थ्रू वाया आरएनए और प्रोटीन बनती है, तो ये नॉर्मल एंजाइम बना और ये ओरिजिनल कैरेक्टर शो किया, इसलिए डोमिनेंस हो गया। लेकिन जब इसी जीन में म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन के बाद में जो बना उसको कहते हैं म्यूटेंट या मॉडिफाइड एलील, है ना। अब ये मॉडिफाइड एलील क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है कि सेम सेंस बनाए, नॉर्मल एंजाइम और नॉर्मल एंजाइम बनाया, तो नॉर्मल एंजाइम मतलब कि ये ओरिजिनल फिनोटाइप बनाएगा, मतलब सेम जो म्यूटेंट हुआ वो सेम बिल्कुल वही जीन बना रहा है, सेम सेंस दे रहा है, तो ये नॉर्मल एंजाइम या ओरिजिनल फिनोटाइप बनेगा। अगर वो मिस सेंस, वो ओरिजिनल सेंस नहीं दे रहा है, तो लेस इफिशियंट एंजाइम बनेगा। लेस इफिशियंट एंजाइम क्या कर सकता है, ये ओरिजिनल फिनोटाइप भी दे सकता है और ये नहीं ओरिजिनल फिनोटाइप भी दे सकता है, ये दो काम कर सकता है। तीसरा ये काम होगा कि ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बना भी सकता है, ये भी कर सकता है कि ये जो म्यूटेट या मॉडिफाइड एलील है ये नॉन मॉडिफाइड नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया, ये भी कर सकता है कि अगर नॉन सेंस है यानी नो एंजाइम एट ऑल, ये भी हो सकता है कि ये एंजाइम न भी बनाए, ये इससे एंजाइम न बने। जब इससे एंजाइम नहीं बना या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना या लेस इफिशियंट एंजाइम बना, दैट इज नो ओरिजिनल फिनोटाइप, और जब नो ओरिजिनल फिनोटाइप हुआ तो इसी को क्या बोला आपने, इसी को रिसेसिव फिनोटाइप बोला। ठीक बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए, हम बात करते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है कि जो प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सिबलिंग क्या होते हैं कि ये देखो, एक पेडिग्री देखो समझो, इसमें ये फादर है, ये मदर है और ये इनके बच्चे हैं, लड़की है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये दोनों सिबलिंग, इसको सिबलिंग कहते हैं, एक ही जनरेशन के, एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं। जीनोम क्या होता है, जीनोम टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉयड क्रोमोसोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितने हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं वो उसका जीनोम है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन इंडिविजुअल। जीन पूल क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीन है उसको हम कहते हैं जीन पूल। इनब्रीडिंग क्या होता है बच्चों, इनब्रीडिंग जब आप मेटिंग करते हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में, सेम ब्रीड में 4 to 6 जनरेशन तक, तो उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। इनब्रीडिंग से नुकसान क्या होता है कि इससे ये तो ये फायदा समझे या चाहे नुकसान समझे, इसको ये इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी, ठीक। लेकिन इनब्रीडिंग क्या होता है, ये एक्सपोज कर देता है हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर को, ये एक्सपोज कर देता है, हार्मफुल रिसेसिव कैरेक्टर आने लगते हैं। आउटब्रीडिंग क्या होता है, आउटब्रीडिंग यानी जो इनब्रीडिंग आप अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में कराते हैं तो उसको आउटब्रीडिंग कहते हैं, इससे हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है, इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी। अगर कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन करते रहे, रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, करते रहे, ये ध्यान रखना, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें हो रहा है उसकी बात नहीं है, ठीक।
हाइब्रिड विगर क्या होता है कि हाइब्रिड विगर इसी को हेटरोसिस कहते हैं। ठीक, ये होता क्या है कि जो करेक्टर है, इंक्रीज इन करेक्टर एज अ साइज, ग्रोथ रेट है ना, और फर्टिलिटी बढ़ गई उसकी, एल्ड ऑफ उसकी एल्ड बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई, जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म ओवर दोज ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स से उसके, तो इसको आप हाइब्रिड वेगर बोलते हैं। कैसे डेवलप होती है ये हाइब्रिड वेगर? ये डेवलप होती है बाई आउटब्रीडिंग से। और डिक्रीज कैसे हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है बेटा ये इन ब्रीडिंग से, हाइब्रिड वगैरह डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइब्रिड वगैरह कैसे डेवलप करते हैं आउट ब्रीडिंग से, और डिक्रीज कैसे हो जाती है इन ब्रीडिंग से। क्रॉस पोलन, अब देखो एक बात समझिए आप, देखिए क्रॉस पोलिनेशन प्लांट में तो अगर वो अपने आपने उसमें सेल्फ पोलिनेशन कराया तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन शो करेंगे, अगर वो सेल्फ पोलिनेशन करा दिया आपने, यानी जो क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट है। लेकिन अब क्या चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि अगर वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, अपने आप ही पॉलिनेशन कर रहा है, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट जो होता है ये बहुत ही बैड कैरेक्टर ट्रांसफर टू द जनरेशन, विच मोर बैड देन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से भी वो बैड कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। पेनिट्रेंस क्या होता है कि इस पेनिट्रेंस निकालने की परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन विच शो फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू देयर जीनोटाइप, इसको पेनिट्रेंस कहते हैं। एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, इसको निकालते हैं कि लेवल ऑफ एक्सप्रेशन कितना है किसी कैरेक्टर का, उसको एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। यूजेनिक्स मालूम है, गाल्टन ने दिया था आपको है ना, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक यूथेनिक्स क्या है, इन्वायरमेंट में अगर इंप्रूवमेंट कर दें जो भी, तो उसको यूथेनिक्स आप बोलते हैं। यूफिनिक्स ये टेक्नोलॉजी है, इंप्रूविंग बाय द बायोटेक मेडिकल इंजीनियरिंग से। अब बच्चों ये फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या होता है? फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है कि ये जीनोटाइप की स्टडी करना फाइनोटाइप से, बाई फिनोटाइप, फिनोटाइप से जीनोटाइप, फिनोटाइप दिया हुआ है जीनोटाइप पता करें उसका। ठीक, दी स्टडी ऑफ दो जीन्स हुज प्रोडक्ट प्रोटीन्स आर ऑलरेडी नोन, इसे मॉर्गन जेनेटिक्स कहते हैं, जिसका प्रोडक्ट नोन हो उसको। रिवर्स जेनेटिक्स क्या है? रिवर्स जेनेटिक्स स्टडी ऑफ फिनोटाइप बाई जीनोटाइप। ओके, सिंपल सिंपल टर्म है। ठीक, इसमें जीनोमिक स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फिनोटाइप बाई जीनोटाइप, जीनोटाइप पता है उससे फिनोटाइप निकालना, तो ये जीनोमिक स्टडी में आता है। अब बच्चों देखिए हेरिडिटी, हेरिडिटी को मालूम है, हेरिडिटी ये इसको आप प्री मेंडलिज्म और मेंडलिज्म या पोस्ट मेंडलिज्म तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। मेंडल से पहले की क्या थी? थ्योरी ऑफ बिल्डिंग इनहेरिटेंस थी। इसमें क्या बोलते थे कि मेल और फीमेल है, ये करेक्टर मिक्स हो गए इन ऑफ स्प्रिंग, ये रिजेक्ट कर दी गई बाय हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से। अब मेंडल देखो, मेंडलिज्म जो थे ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1824 तक रहे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया है? 1856 और ये 57 से लेकर के 65 तक पब्लिश हुए थे ये 1865 में। इनका एक एनुअल प्रिसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसमें पब्लिश हुए थे ये है ना, और टाइटल था जिसमें पब्लिश हुए थे एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनको इनको ये मेंडल ने जो भी वर्क किया और ये नोटिस नहीं किया गया, बाद में रीडिस्कवर किया गया 1900 में। ये फिर रीडिस्कवर किसने किया? ह्यूगो डिवरीज ने, ह्यूगो डिवरीज ने डिस्कवर किया। तीन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवरीज, कोरेंस और शर्मा, ये तीन साइंटिस्ट थे। एक तीनों लोगों ने डिस्कवर किया। उसके बाद हॉलैंड, ये ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के थे है ना, ये रिपब्लिश किया इन 1900 इन द फ्लोरा। कोरेंस जर्मन के थे, ये मेंडल कंक्लूजन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एंड शर्मा ऑस्ट्रिया के थे। तीन साइंटिस्ट, तीनों के नाम डिवरीज, हॉलैंड, कोरेंस जर्मनी, शर्मा ऑस्ट्रिया। डिस्कवर कब? 1900 में, 1900। मेंडल का वर्क अननोटिस किया गया क्योंकि उन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस में दिया था,
पूरा मैथमेटिकल में कहा कि बायो में मैथमेटिक्स लोगों को समझ में नहीं आई उस टाइम पर, है ना, 1965 जनरल जिसमें ये पब्लिश हुआ वो बहुत पॉपुलर नहीं था, और दूसरी बात थी कि जो साइंटिफिक वर्ल्ड था वो पूरा बिजी था चार्ल्स डार्विन की बुक 1859 में जो पब्लिश हुई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, मतलब लाइफ ओरिजिनेट होती है तो नेचर से ओरिजिनेट होती है, इसमें इसमें किसी का ये गॉड का या प्रभु का कोई रोल नहीं है, तो इस पे बड़ा कंट्रोवर्सी हुई। मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बेटा पाइसम सटाइवम, जिसको गार्डन भी कहते हैं, है ना, 2n नंबर इसमें कितना है, 14 है बच्चों। इन्होंने गार्डन पी को क्यों सिलेक्ट किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसका शॉर्ट लाइफ था, 2-3 महीने में ही ये इसका लाइफ पूरा हो जाता है, ये नहीं 40-50 साल रहता है वेट करें, इतने साल तक कर ही नहीं पाते। इजी टू ग्रो, आराम से ग्रो कर लेते हैं, गमले में भी ग्रो कर लो, कहीं भी ग्रो कर लो, है ना। तीसरा है मैनी कंट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट, बहुत सारे इस पे कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, जनरली सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक। मेंडल ने सेवन करेक्टर सेलेक्ट किया था, देखो कौन कौन से सेवन करेक्टर सेलेक्ट किया, समझिए बात को, करेक्टर थे प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, शेप ऑफ द पॉट, प्लांट कलर, पॉट कलर, शेप ऑफ द सीड एंड सीड कलर। ये डोमिनेंट में, ये इसका टॉल डॉर्फ डोमिनेंट था, ये कलर में फ्लावर कलर में वायलेट व्हाइट एक्सियल टर्मिनल इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड ग्रीन येलो और राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन। खास बात ये कि ये ध्यान रखो कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कौन किस पे था, प्लांट हाइट का जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पे था, फ्लावर कलर का 1 पे था, एंड फ्लावर पोजीशन का जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे था, शेप ऑफ द पॉट का भी 4 पे था, पॉट कलर का भी 5 पे था, शेप ऑफ द सीड का 7 पे था, सीड कलर किस पे था, 1 पे था। इसका मतलब कुल मिलाकर के सेवन करेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किए, ठीक, और जिनके जीन्स लोकेटेड कहाँ है, 4 क्रोमोसोम पे, और वो 4 क्रोमोसोम कौन कौन, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7, ओके। बच्चों ये तो मेंडल ने सेलेक्ट किया था। मेंडल की एक बात और आप लोगों को समझिए, ये कि मेंडल ने जो कल दिया था उसके है क्या, ये क्यों ऐसा है क्रोम, अभी एक जीन की बात करते हैं, फ्लावर कलर जीन का है, फ्लावर कलर जीन ये क्रोमोसोम नंबर 1 में है। अब इस जीन के क्या है, ये जीन क्या क्या करता है, कलर ऑफ द सीड कोट भी देता है, रेड स्पॉट इन एक्सिस इन लीफ भी बनाता है, और फ्लावर कलर भी देता है, यानी तीन है। अब यानी एक जीन तीन करेक्टर अगर शो करता है, एक जीन बहुत सारे करेक्टर शो करते हैं, तो इस जीन को क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, इसका मतलब फ्लावर कलर जीन प्लियोट्रॉपिक जीन है, ठीक। दूसरा सीड शेप का जीन, जो सीड शेप का जीन है ये डोमिनेंट एलील, क्यों सीड शेप शेप उसका बनता है तो इसको बात समझिए। अगर ये डोमिनेंट एलील है, ठीक है, तो डोमिनेंट एलील से क्या होता है, ये स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम बनेगा, और जब स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम बनेगा तो स्टार्च इन द सेल इंक्रीज, ये एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज इन द सेल, तो होगा क्या, शुगर डिक्रीज कर जाएगा सेल के अंदर, जब शुगर डिक्रीज कर जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सीड रिमेन कॉन्स्टेंट, और सीड कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, सीड राउंड होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर वो रिसेसिव है तो ये एसबीई यानी स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम्स नहीं बनेगा, ध्यान रखो इसको, ठीक। तो स्टार्च क्या हो जाएगा, स्टार्च डिक्रीज कर जाएगा, और जब स्टार्च डिक्रीज कर जाएगा तो शुगर क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, है ना, और जब ये जो शुगर इंक्रीज कर जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, सीड कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। ये सीड शेप वाला जीन क्यों ऐसा होता है, जो अभी पीछे डोमिनेंस और रिसेसिवनेस की फीचर समझे थे, रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल क्यों सक्सेस हुए थे, बात समझिएगा, मेंडल सक्सेस क्यों हुई थी मेंडल को, क्योंकि उन्होंने गार्डन पे इसको सेलेक्ट किया, नंबर एक बात ये, नंबर दो ये लकी थे चूजिंग द दो ट्रेट्स विच शोड कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिन्होंने उन्हीं कैरेक्टरेट को सेलेक्ट किया, लकी थे कि जो अलग अलग क्रोमोसोम पर जिनके जीन्स थे। ही वॉज एडॉप्टेड स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल पूरा एनालिसिस दिया, बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया था, ठीक। अगला था प्योर लाइन ऑफ ईच क्रॉस, हर
क्रॉस की प्योर लाइन को उन्होंने किया और स्टडी वन आर फ्यू कैरेक्टर एट अ टाइम, ये उन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स क्या थी। ओके,